नाहन में मीडिया से बात करते हुए मजिला उपायुक्त डॉक्टर आर के परूथी ने बताया कि जिला सिरमौर की सीमाओं में प्रवेश करने वाले 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कोरोना टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। अगर बच्चों के साथ आने वाले वयस्कों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है। उन्होंने बताया कि जिला की सीमा में प्रवेश करने के 96 घंटे से पहले किए गए कोरोना टेस्ट वैध नहीं होंगे, जिसका आकलन जिला के सीमा पर किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सिरमौर जिला में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिला में कोरोना संक्रमितों की एक्टिव मामलों की संख्या 197 हो गई है। बुधवार को अकेले सिरमौर जिला में 41 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। उपायुक्त सिरमौर ने कहा कि 197 कोरोना संक्रमित में से 112 लोग होम आइसोलेशन में हैं, जिनका घर पर ही इलाज किया जा रहा है। जिला सिरमौर में पिछले कल काफ़ी केसेज में वृद्धि हुई है। हमारे कोई 197 जो केसेज हैं अब एक्टिव हो चुके हैं, उसमें से लेकिन 112 ऐसे लोग हैं जो होम आइसोलेशन में हैं। पहले जहां लोग कोविड केयर सेंटर बनाने में भी ऑब्जेक्शन करते थे, अब सिरमौर मेरे ख्याल से पहला ऐसा ज़िला है जहां पे मैक्सिमम लोग जो है होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, ताकि ऐसे लोग जिनके घर में अलग से शौचालय की व्यवस्था है, बाकी केयर कर सकते हैं, को मोरबिडिटी नहीं है, छोटे बच्चे नहीं हैं, तो ऐसे जो लोग पॉजिटिव आते हैं अपने घर में रहकर भी अपना इलाज कर सकते हैं। इलाज का मायने मतलब अपना इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। जो आइस किट प्लस है ऐसे सभी पेशेंट्स को दी जा रही है जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं। जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, मॉर्निंग इवनिंग दोनों ये जो ऐसे लोग होम आइसोलेशन में उनको विजिट कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ पे लगता है कोई कॉम्प्लिकेशन है उसकी हेल्प के लिए हमारे डॉक्टर्स हमेशा उपलब्ध हैं। अभी पिछले कल ही जो बोर्ड मैनेजमेंट के बारे में स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ डायरेक्शन इशू की थी कि इसमें जो भी व्यक्ति आता है उसमें पहले था कि 72 आवर्स पहले उसकी टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए कि वो कोरोना नेगेटिव है, उसको बढ़ा के अब 96 आवर्स कर दिया है कि कोई भी 96 घंटे पहले अपना रिपोर्ट करवाता है। पहले था कि PCR टेस्ट होना चाहिए, जो ट्रू नॉट है या इसमें CB नॉट है वो टेस्ट भी अब मान्य है। जिनके छोटे बच्चे हैं 10 साल से नीचे और खुद वो नेगेटिव हैं, ऐसे बच्चों के लिए टेस्ट रिपोर्ट लाने की आवश्यकता नहीं है। जो टूरिस्ट पहले उनके लिए था कि कम से कम 5 दिन की उनकी बुकिंग होनी चाहिए, अब जिसकी बुकिंग 2 दिन की है और वो ये कोरोना की रिपोर्ट लगाता है कि वो नेगेटिव है, वो भी अब 2 दिन के लिए आ सकता है। थोड़ा सा भी फैसिलिटेट किया है, लेकिन जिस हिसाब से केसेज बढ़ रहे हैं ये केसेज वही हैं जो एक पॉजिटिव आया एक घर में, उसकी वजह से और बच्चों और फैमिली मेम्बर्स को फैला। जितने भी हैं सारे प्राइमरी कॉन्टैक्ट से ये केसेज आते जा रहे हैं, खासकर जो पाउंटा में है। पाउंटा में 120 के आसपास केसेज हो चुके हैं। मैक्सिमम ये देखने आया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति पॉजिटिव है, वो प्रिकॉशन नहीं यूज कर रहा है, जो सोशल प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए उसकी अनुपालना नहीं कर रहा है, तभी जो बाकी घर के सदस्य हैं वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो मैं ऐसे सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि घर में अगर एक भी व्यक्ति पॉजिटिव है या उसको ऐसे भी कोई लक्षण हैं जिसकी वजह से लगता है कि उसको कोरोना हो सकता है, सावधानी बरतें। आपस में इंटरमिंगलिंग मिक्सिंग, इवन मुझे पता लगा कई जगह भंडारे या जागरण, ये सब पे हमें रोक लगानी पड़ेगी। स्वतः ही अपने आप ही हमें जो भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं वहाँ पे जाने से अपने आप को रोकना होगा। और मास्क का प्रयोग करें, कपड़े वाले मास्क का प्रयोग करें जो बार बार यूज हो सकते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट ना ज़्यादा पैदा हो इसका भी ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। आयुष किट में जो काढ़े दिए हैं वो घर में भी आप बना सकते हैं, गर्म पानी पिए, नींबू वाला गर्म पानी पिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहे। सतर्क रहें, जो भी पॉजिटिव पेशेंट है वो अपने आप ही आइसोलेशन में रहे, बाकी लोग भी उससे थोड़ा दूर रहें। हम सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं।